आप देख रहे हैं सिटिंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटिंडिया न्यूज। नाजरीन, हजारों किसानों की जानिब से लगभग दो माह तवील एहतजाज को खत्म करने के लिए अपने मौके में कुछ नरमी पैदा करते हुए मरकजी हुकूमत ने चार शुबे को तजवीज पेश की गई। तीनों मुतनासा ज़रई कवानीन को एक तार डेढ़ साल मौतल रखेंगे और काश्तकार बरदरी के मफाद में कोई दोस्ताना हल तलाश करने के लिए मुश्तरिका कमेटी तश्कील देंगे। तीन मरकजी वज़रा के साथ जारी मुज़ाकरात के अपने दसवें दौर में दोनों फरीकों ने जुमा को दोबारा मीटिंग मुनाकिद करने का फ़ैसला लिया है। साथ ही किसान यूनियन के कायदीन जुमेरात को दाखिली तौर पर मुशावरत करते हुए हुकूमत की नई तजवीज़ पर फैसला करेंगे। इसी बीच मीडिया ब्रीफिंग में मरकजी वज़ीर ज़िराअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत तीनों कवानीन पर अमलावरी को एक ता डेढ़ साल मौतल रखने की तजवीज़ पेश की है और इसी मुद्दत के दौरान हुकूमत और किसानों की तरफ से नुमाइंदगान की मुश्तरिका कमेटी अपनी बातचीत जारी रख सकती है। और दिल्ली की सरहदों पर नहायत सर्द मौसम में एहतजाज करने वाले किसान अब अपने घरों को वापस हो सकते हैं। तीनों कवानीन पर अमलावरी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ताहुकुम सानी रोक रखी है और माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जा चुकी है ताकि तातुल को ख़त्म किया जा सके। इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने मफादात से मुशावरत के बाद अंदरून दो माह अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग मंगल को मुनाकिद की और किसान ग्रुपों व दीगर के साथ मुलाकात जुमेरात को शुरू करेगी।